This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बढ़िया और हाईली मोटिवेटेड चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज का एजेंडा एक नया टॉपिक शुरू करने का है। आप इसको नया चैप्टर भी कह सकते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी इसको एल्डिहाइड कीटोन्स में ही डालती है। बट हम इसको अलग करके डिस्कस करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। कंपैरेटिवली अल्कोहल्स अल्कलाइड के मुकाबले काफी छोटा होगा, तो कोई ज्यादा रिएक्शंस नहीं होंगे, बट फिर भी करना हमें जरूरी होगा और आपके काफी रिएक्शंस रिपीट होंगे। ये कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव एक लंबा चौड़ा एक फैमिली है। फैमिली मतलब इनके भाई बहन लगभग सिमिलर से हैं। जो मेन है दैट इज RCOH, इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोनाइल कार्बन ग्रुप होता है, एक तरफ R होता है और एक तरफ OH आता है, राइट? द OH द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। भूलने का नहीं है कि जिन से भी आपके कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव आएंगे एसिड्स के, इन सब में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर ये वाला ग्रुप जो है, दिस इज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियोफाइल, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एंड ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव शो SN सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड। अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आप देखेंगे मैं तकरीबन 90% रिएक्शंस जो कर रहा हूंगा इनके, बस एक न्यूक्लियोफाइल उखाड़ूंगा और उसकी जगह पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल को भेज दूंगा। दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आप इस OH की जगह पे रिप्लेसमेंट कर दो, राइट, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, दैट इज अगर आप OH की जगह पे हेलोजन लगा दो, हेलाइड लगा दो, तो ये एक एसिड डेरिवेटिव बन जाता है। अगर आप X की जगह पे NH2 लगा दो, तो ये एमाइड की फैमिली बन जाती है, अमाइड। काफी बार बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक होता है बेटे NH2, दैट इज नोन एज अमीन्स, और एक होता है RCONH2, दैट इज द फैमिली ऑफ अमाइड्स। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ये एसिड डेरिवेटिव हैं, जबकि ये वाले अमाइन्स एक डिफरेंट फैमिली है, राइट? तो अमाइन्स और अमाइड में एक कार्बोनाइल कार्बन का फर्क होता है। ओ आर अगर हम लगा दें तो ये फैमिली बनती है एस्टर्स की। एस्टर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, नॉर्मली परफ्यूम्स इनसे बनते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट इनसे बनते हैं। अगर आप OH की जगह पे RCO लगा दें तो ये एनहाइड्राइड्स की फैमिली बनती है। एनहाइड्राइड इसलिए बोला जाता है कि अगर आप दो कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, राइट, दो कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए और उसमें से आप पानी निकाल दीजिए, वाटर डिहाइड्रेट, यानी कि अगर आप इसको कर दें तो हमारे पास RCOOCOR एनहाइड्राइड फैमिली बनती है। याद रखना, एनहाइड्राइड को हम RCO2O जैसा भी लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सेम है और बीच में एक ऑक्सीजन है। एनहाइड्राइड्स एसिड में से पानी निकाल के डिहाइड्रेट करके बनते हैं, राइट? तो आपके पास टोटल चार डेरिवेटिव और एक कार्बोक्सिलिक एसिड, पांच आपके पास ग्रुप आ गए हैं। दिस इज द पेरेंट। ऐसे ही बस बनाने के लिए दो तीन और चार टोटल मिला के आपके पास पांच कैटेगरीज इस चैप्टर में डिस्कस की गई। आप कहेंगे ये तो काम ही बड़ा हो जाएगा, ये काम काफी छोटा होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कार्बोनाइल कार्बन से अगला बॉन्ड टूटेगा, एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर, बट दैट विल बी द मेजर रिएक्शन इनका बनेगा। और आप इसमें से काफी रिएक्शंस तो आप कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आप इसमें से OH निकालेंगे और इसकी जगह पे कोई ग्रुप लगा देंगे, तो
तो दैट इज गोइंग टू बी आर सी ओ जी, वेयर जी कैन बी बेटे एक्स, जी कैन बी एन एच टू, जी कैन बी ओ आर, डैश लगाने का मतलब होता है आर और आर डैश फर्क हो सकते हैं, और जी कैन बी ओ सी ओ आर डैश, दैट इज एनहाइड्राइड्स, चार इसके डेरिवेटिव बन सकते हैं, राइट, फोर डेरिवेटिव बन सकते हैं। तो जैसे हम हर बार करते हैं, हम इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पहले डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड इज एल्केन्स ऑन ऑक्सीडाइज्ड विद मैंगनीज एसिटेट और मैंगनीज स्टीरेट गेट कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है, द रीजन बीइंग एल्केन्स खुद ही बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये कोई बहुत बेहतर रिएक्शन नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हैं, राइट। ओजोनोलाइसिस अगला रिएक्शन आने वाला है। यू रिमेंबर हॉट एसिडिक KMnO4 अगर हम एल्कीन के ऊपर यूज करें तो वो बॉन्ड को तोड़ देता है, वो बॉन्ड को तोड़ देता है और हमें बना के देता है द COH, COH बना के देता है, राइट। तो अगर तो आपके पास ये सेकंड वाला, देखिए इसमें CH2 करना है, अगर तो एक कार्बन है वो हॉट एसिडिक KMnO4 या डाइक्रोमेट के साथ हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पे जाती है, बाकी जितने भी आपके पास कार्बन है वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिसको मैंने थर्ड लिखा है लाल पेन से, तो अगर ये है बेटा तो ये KMnO4 एसिडिक के साथ, हॉट एसिडिक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पे जाएगी, और अगर आपके पास ये वाला है तो ये आपका कीटोन्स पे जाएगा। यू रिमेंबर कीटोन्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, राइट, कीटोन्स कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। तो हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे जाएगा। अगर आपके पास एक H लगा हो, डबल बॉन्ड हो, R हो, तो ये एल्डिहाइड बना के एसिड पे जाएगा। अगर आपके पास दोनों R ग्रुप लगे हो तो ये KMnO4 के साथ जाते इस तरफ लगाता हूं ऑक्सीजन, आपके पास कीटोन्स बना के देगा। ये चीज आपने ध्यान में देनी है, ये हमने पहले आपको एल्डिहाइड्स कीटोन्स में भी आपसे बात की हुई है। तो पहला आपने देखा एल्केन से मैंगनीज एसिटेट और मैंगनीज स्टीरेट से, दूसरा अभी आपने शुरू किया है एल्कीन से। दिस इज द कॉच रिएक्शन, द कॉच बेटे ये रिएक्शन थोड़ा याद करने वाला है, रट्टा मारने वाले का है, तो मैं इसको CTM लिखूंगा, ट्रिपल स्टार बोलूंगा, मतलब ये याद करने वाला रिएक्शन है, यहां पे मेरा बस नहीं चलता है, आपको ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, और बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक नंबर के नीचे ये आ सकता है। अगर हमने ईथिन लिया, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर पास की, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिक एसिड हमें एक कार्बन बढ़ जाता है, प्रोपेनोइक एसिड मिल जाता है। रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एल्कीन्स हमें नेचुरली मिल जाती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो वहां से ये आसानी से बनाया जा सकता है। अगर आप प्रोपीन लेंगे तो आपके पास इस वाले कार्बन पे एसिड लगेगा और आइसोब्यूटायरिक एसिड मिल जाता है सेम रिएक्शन में। आइसो याद करिए, सोचिए कब लगता था, मैंने कॉमन नेम लिखा है, IUPAC नेम इज 2-methylpropanoic एसिड मिल जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये रिएक्शन को इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इसलिए नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए लिख रहा हूं कि ये रोट लर्निंग है, तो समय आने पे ये आपके रट्टे में से निकल के आने वाला है। यू रिमेंबर ओजोनोलाइसिस, देयर वर टू टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में ये एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो जिंक होता था वो रिएक्शन को यहीं पे रोक देता था, एल्डिहाइड्स फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते थे, जिंक जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है उसको
खत्म कर देता है, सेक्रीफाइस कर देता है अपने आप को और रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक देता है, राइट? एल्डिहाइड्स, अगर कीटोन्स बनना हो तो एक तरफ कीटोन्स बन सकता था। अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तो आपका रिएक्शन एल्डिहाइड तक तो जाता है बट हाइड्रोजन परऑक्साइड अब खत्म नहीं होता है, तो आपका रिएक्शन एसिड पे चले जाता है, एसिड पे चले जाता है और एक कार्बन वाला आपका सदा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बना के देगा। बट रिमेम्बर, अगर आपने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की कुछ ऐसी C2H5 एंड लेट इट बी CH3, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस CH3COH बनाएगी और जो कीटोन्स इस तरफ से बनेंगे वो आगे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। फर्स्ट स्टेप ओजोन, सेकेंड स्टेप द वॉटर ओनली, नो जिंक इज प्रेजेंट, बट अगर एसिड हो सिर्फ वो आगे चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके स्कूल के लिए ये वो कंसिडर नहीं करते हैं बट समय का कुछ पता नहीं होता है कि कहां से वो कोई चीज आपके सामने लेके आ सकते हैं। आप देख रहे हैं ज्यादातर रिएक्शन आपके साथ हमने किए हुए हैं। ऑक्सीडेशन ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन्स, ये हमने क्लास 11th में भी रिएक्शन किए हुए हैं, तो जैसे वहां पे होता था वैसे यहां पे भी है। आपने डबल बॉन्ड हटाना है, आपने डबल बॉन्ड हटाना है और आपने उसकी जगह पे राइट क्या लगा देना है, ये आपने प्रोडक्ट वैसे का वैसा लिख लिया रिएक्टेंट, उसमें से रबर लिया पेंसिल से लिखा और आपने दो ऑक्सीजन लगा दिए। दिस इज द रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अगर आप यहां पे जिंक ना डालें, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करें, तो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक लाइक वहां पे जो होता था। ये कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बन वाला सदा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में चले जाएगा, राइट? ये भी आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस थोड़े सिलेबस है ही नहीं है, सो उसकी आपने कोई ज्यादा टेंशन नहीं करनी है, बट आपको इसको रीड जरूर कर लेना है। हमने एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, KMnO4 के रास्ते से, बस याद रखना आप। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ठीक है, जब जरूरत पड़ी हम वापस आके देख सकते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राई हैलोजन्स, ट्राई हैलोजन्स अगर आपके पास जैसे क्लोरोफॉर्म है तो आपने इनकी हाइड्रोलिसिस की तो आपके पास OH 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 आ गया। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH स्टेबल नहीं है तो वाटर निकलेगा और आपको मिल जाएगा डबल बॉन्ड O एंड OH। यहां पे आपके पास बेस है तो आपको क्या मिल जाएगा, द सॉल्ट इज गोइंग टू बी फॉर्मड। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं राइट, तीन OH लग गए तो आप पानी इसमें से निकाल दीजिए, बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड है, अगर आपने KOH यूज किया तो उसका सॉल्ट पोटेशियम लग बन जाएगा, अगर NaOH यूज किया है तो सोडियम बन जाएगा, राइट? देखो के लिए अगर आप चाहिए तो आप इसको खत्म कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, राइट? नॉर्मली एसिड और बेस जो होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं तो हम उनको एक्सेस में ले लेते हैं। हमारा दूसरा जो जैसे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है, बेंजो ट्राइक्लोराइड है, वो महंगा होता है तो हम उसको यूज एक्सेस में नहीं करते हैं। फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, आपको याद होगा एल्डिहाइड में हमने पांच रिएक्शन आपको राइट, सिल्वर मिरर टेस्ट, फैलिंग, बेनेडिक्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, शिफ्ट रिएजेंट करवाए थे। अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन में आपने PCC, PDC वगैरह देखे थे, राइट? कीटोन्स में आपने पॉप ऑफ रूल किया था। सो अगर आपको यहाँ पे कोई हाथ तंग है तो आप इसको वापस जाके सोर्स से देख सकते हैं। फ्रॉम साइनाइड अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालें, सो दिस इज नोन एज अ पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमाइड मिल जाता है। बेटे हम इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अमाइड्स में भी डाल सकते हैं।
आप डाइल्यूट एसिड डालें तो दिस इज नोन एज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। याद करने का तरीका, डाइल्यूट एसिड में पानी ज्यादा है तो उसको कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस बोल दीजिए। तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हमें एसिड मिलता है। वी कैन डू इवन बेसिक हाइड्रोलाइसिस, मतलब आप ओएच नेगेटिव बेस डाल लीजिए पानी में, ऊपर वाले में आपने क्या किया है एसिड डाला है। तो बेटे फर्क क्या होगा, ये जो एसिड मिल रहा है इसकी जगह पे हमें सॉल्ट मिल जाने वाला है, समझे आप। ये साइनाइड से ये बनाना एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, मुझे ये नहीं चाहिए, बट फिर भी जैसे आप बुक में देखते हैं कि इंफॉर्मेशन वहां पे दे दी जाती है, तो ऐसे हमने इंफॉर्मेशन दे दिया, दिस इज एन एसिडिक मीडियम, दिस इज गोइंग टू बी इन द बेसिक मीडियम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों ही आपको मैकेनिज्म के ऊपर टाइम नहीं खराब करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में कैसे आपके पास अमाइड्स या एसिड मिल जाते हैं साइनाइड्स से। मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है, इवन अमाइड्स कैन फर्दर बी हाइड्रोलाइज्ड टू एसिड्स, प्लीज आई डू नॉट नीड इट एट ऑल। टाइम हो तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अमाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एसिडिक मीडियम आल्सो। मोटे तौर पे बच्चों हमने आपको क्या सिखाने की कोशिश की है, रिव्यू मारते हैं। मान लीजिए आपके पास CH3CH2 था, राइट right? मान लीजिए मैंने इसको डुप्लीकेट किया है, दो रिएक्शन करवाता हूं। अगर हम इसके ऊपर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड करिए, याद कीजिए यहाँ पे खराश इफेक्ट आता था, तो ये आपका जो Br है वो यहाँ पे आएगा। तो KCN अल्कोहलिक डालना है तो आपको C7CN मिल जाएगा। अगर आपने हाइड्रोलाइसिस, अगर उसने क्लैरिफाई नहीं किया है कि कंप्लीट या पार्शियल, आपने कंप्लीट मान के चलना है, तो यहाँ पे C3H7COH मिल रहा है। अगर पार्शियल की तो आपके पास CONH2 आ जाएगा। अब देखिए यहीं से ही मैं आगे ले जाता हूं, राइट यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए इसके ऊपर सिंपल HBr डाला तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होनी है बेटे, तो यहाँ पे Br लग जाएगा। अब सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, इथेनोलिक डालिए, ऊपर भी इथेनोलिक ही डाला था, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, तो आपके पास जो साइनाइड है वो इधर लग जाएगा। अब आप हाइड्रोलिसिस कीजिए तो हमें ब्यूटायरिक एसिड की जगह पे आइसो ब्यूटायरिक एसिड मिल जाएगा, समझा। मैंने रिवीजन करने की कोशिश की है, साइनाइड से आपको ये बनाने की कोशिश की। ओके नाउ यू रिवाइज कि इससे हम अलग अलग चीजें कैसे बना सकते हो, समझ गया ना। इसको अगर मैं ऑक्सीडाइज कर दूं, एसिटिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर सिंपली कॉच रिएक्शन कर दूं तो मेरे पास आइसोब्यूटायरिक सीधा मिल जाएगा। ऐसे करके आप रिवाइज कर सकते हैं, सीधा कॉच रिएक्शन कर दें तो ये मिल जाएगा। क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया बेटे, वापस जाओ कॉच रिएक्शन के ऊपर देखो और यहाँ पे लिखो और आगे आओ। इस प्रकार से हम रिविजन कर सकते हैं। ये जो पेज है जो आपकी आंखों के आगे है, मैं अगर आपको कहूं कि ये सारे प्रॉपर्टीज को समराइज कर देगा बेटे, सो दिस इज वेरी 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 इजी एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। ऑल एसिड एंड डेरिवेटिव शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दे कैन बी सुटेबली हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म एसिड्स। हाइड्रोलाइज्ड, अगर आपके पास कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, Cl है, NH2 है, अगर हम उसके ऊपर बेस OH नेगेटिव डाल देंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से आपको मिल जाएगा एसिड मिल जाएगा,
राइट बेटा पार्टी, समझते हुए इसको कॉपी कीजिए। राइट, ये केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड डेरिवेटिव में भी आ जाएगा। प्लीज इट्स वेरी इजी, समझो, सिर्फ इसको समझो। राइट, ज्यादा टेंशन नहीं करते हैं कि आपको सिर्फ एक न्यूक्लियोफाइल को पहचानना है। तो ये देखिए, सीएल सीएल एनहाइड्राइड्स अमाइड्स, एस्टर्स भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाटर डालो तो ओएच सीएल को रिप्लेस कर गया। अल्कोहल डालो, एल्कोक्साइड आयन सीएल को रिप्लेस कर गया, क्या मिल गया, एस्टर। वाटर डालो तो ये आर सी ओ ओएच रिप्लेस कर गया, क्या मिल गया, एसिड। अरे ये तो रिवर्सिबल हो गया ना, डिहाइड्रेशन की थी, एनहाइड्राइड बन गया, वाटर डालो तो एसिड वापस। अमाइड्स के ऊपर ओएच नेगेटिव डालो तो दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग। राइट, समझ पा रहे हैं? सो ऑल एसिड एंड देयर डेरिवेटिव शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहचानो न्यूक्लियोफाइल को, रिपीट कर रहा हूं इंपॉर्टेंस की वजह से, इससे ही अगले वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बोनिल कार्बन से। दिस इज द लीविंग ग्रुप, दिस इज द अटैकिंग ग्रुप, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग हियर। राइट, प्लीज समझो, ये बड़े सारे रिएक्शन को समराइज कर देगा एक ही बार में। डू यू रिमेंबर बेटे, द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर अटैकिंग ग्रुप एंड द वीकर न्यूक्लियोफाइल इज अ बेटर लिविंग ग्रुप। ये कॉन्सेप्ट आपको करवाया गया है, ठीक। नाउ अलग है, ऊपर कॉन्सेप्ट ए है, नीचे कॉन्सेप्ट बी है, दोनों में आपस में अभी कोई रिश्ता नहीं है, मैंने बनाना है। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, पेपर में जब आता है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान से देखो, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट बेटा, ये कहां पे किया गया है, ये कहीं पे आपको एसिड्स की स्ट्रेंथ बताया गया है। बेटे ये तो बड़ा अच्छा बेस है, दिस इज द इन ऑर्गेनिक एसिड, देयरफॉर यू रिमेंबर अल्कोहल्स आर वीकर एसिड, alcohols are weaker acid than water. So, right? What's your answer? That's your answer. That is the answer. HCl is the strongest acid and so on. एक concept class 11th equilibrium में से use करवा रहा हूँ. Since weaker the base, the better the leaving group. याद है ना? तो अभी अभी आपने पिछले पेज से लेके आए थे ये वाला HCl कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर अल्कोहल एंड सो ऑन। बेटा पार्टी, इसका जो बेस होएगा वो बनेगा Cl नेगेटिव, इसका जो बेस होएगा दैट इज कार्बोक्सिलिक आयन, इसका जो बेस होएगा OH नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन अमाइड आयन। तो बेटे अगर आपके पास राइट ये मैंने बी लिख दिया, सी लिख दिया, अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ देखें तो अमाइड आयन इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, क्लोराइड आयन इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट बेस होगा। राइट, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना है, द वीकर द बेस द बेटर द लिविंग ग्रुप। तो बेटे अगर मैं आर सी HCl के ऊपर पानी डालूं और RCONH2 के ऊपर पानी डालूं तो कौन सबसे ज्यादा जल्दी बनेगा, रिएक्ट करेगा, RCOCl। अंडरस्टैंड, दैट लीड्स टू एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आई एम राइटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एसिड derivative and the acids decreases, the acyl halide is going to be put through most reactive.
right? The most reactive. Anhydride is lesser reactive. Acid is even lesser reactive. Ester is even lesser reactive. And OH, RCNH3, least reactive. Isme X negative. X negative se stronger, the RCO negative. Usse stronger, OH negative. Usse stronger, ye. Usse stronger, NH2 negative. Ye humne आपको करवाया था बेटे. इसको अभी कॉपी करो रफ में, राइट? इसको जहां से भी आपने बोर्ड में रिवीजन करनी है फाइनल, राइट? बोर्ड में आपने फाइनल रिवीजन करनी है पेपर से पहले, वहां पे भी लिखो अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे भी लिखो ROR ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, राइट? ऑन एसिड और डेरिवेटिव is going to be following this order. This is, my dear friends, very 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 important from the board point of view as well as the competition point of view also. Dono ke angle se kindly mere liye bahut zyada important hai. Ye aapke liye homework de raha hu. Isme maine ek thio ester bhi थायोएस्टर्स और अल्कोहल्स. याद रखना अल्कोहल्स और इसमें से दिस इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक. सो HX नेगेटिव और OH नेगेटिव में दिस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. ये आपके स्कूल के लिए तो नहीं है बट डेफिनेटली आपके लिए वैसे ये काम में आने वाला है. मैंने यहाँ पे बेटे आंसर दे दिया है. OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर बेस. सो अगर आप थायो और उसमें से देखें तो कौन सा ज्यादा रिएक्ट करेगा. दिस इज थायो. दिस इज होमवर्क बट दिस इज नॉट फॉर योर स्कूल सिलेबस. आप लोग जहां भी कहीं जाएंगे आने वाले समय में, तो आप इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, केमिस्ट्री तो आपने हमेशा करनी ही करनी है. तो अगर आपने केमिस्ट्री हमेशा करनी ही करनी है तो आपको मेरे ये लेक्चर हमेशा आपको YouTube के ऊपर मिलेंगे, तो आप हमेशा इसको आगे देख सकते हैं. कॉन्टिनेंट फ्रॉम ग्रिगनार्ड. यू रिमेंबर ग्रिगनार्ड रीजन में R इज अ नेगेटिव पार्ट, Mg X दो, Br कह दो इज द पॉजिटिव पार्ट. R इज द न्यूक्लियोफाइल और ड्राई आइस अगर हम ग्रिगनार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो कार्बन के ऊपर, तो ये आर अपने इलेक्ट्रॉन लेके अटैक कर देता है और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो कि उसको डरा रही थी, मैं तेरे इलेक्ट्रॉन ले जाऊंगा, आ जाते हैं. हमारे पास मिल जाता है आर सी ओ नेगेटिव एम जी एक्स, राइट? अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो सॉल्ट है. एम जी एक्स की जगह पे आपने हाइड्रोलिसिस बेसिकली है कि आप पानी में से एच प्लस लगा देना, तो आपके पास क्या बन गया है, द कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से आपने एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया है. से आपके सामने एक कन्वर्जन लिखी गई है, एक कन्वर्जन लिखी गई है, तो आप सोच सकते हैं कि इसको मैंने कैसे किया. आप देख रहे हैं यहां पे असेंडिंग ऑफ सीरीज हुई है, असेंडिंग ऑफ सीरीज हुई है. देखिए दो तरीके से करके दिखाता हूं. अगर मैंने इसके ऊपर ब्रोमीन और आयरन लगाया तो बीआर बन जाएगा. एमजी लगाया, पीएच एमजी बीआर. बेटे स्कूल में पीएच नहीं लिखना, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं. आप इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड, सुनो गैस नहीं, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, पीएच ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को इसके बीच में डाल दीजिए. अब इसकी हाइड्रोलिसिस कीजिए, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट है ना, तो आपको मिल जाएगा द बेंजोइक एसिड. हमें ऊपर वाला नहीं मिला है, हमें एक कार्बन को असेंड करना था. तो इसके लिए क्या जुगत लगा, मुझे कार्बन एटम बढ़ाना था, तो मैंने इसके फ्रिटल एल्काइलेशन कर दिया.
CH3CH, आप इसके ऊपर क्लोरीनेशन कर दीजिए सलाइड की प्रेस में, पीएच सीएच टू सीएल मिल राइट। अब आप इसके ऊपर लगा दीजिए मैग्नीशियम, तो इससे पीएच सीएच टू एम जी बी आर मिल गया। अब आप इसके ऊपर फर्स्ट स्टेप ड्राई आइस, ड्राई आइस पेपर में सीओ टू साथ में लिखना और हाइड्रोलिसिस कर दी। बेटा बेसिकली हो क्या रहा है, एम जी बी आर की जगह पे सीओ एच लग रहा है। आपने पिछली बार भी देखा एम जी बी आर की जगह पे क्या लग रहा है, सीओ एच लग रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन है। आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां पे पहले स्टेप में मैग्नीशियम, दूसरे स्टेप में ड्राई आइस, तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, हमें ये मिल गया। मैंने एनबीएस यूज किया है, एनबीएस इज एन ब्रोमो सक्साइड। आप चाहिए एनबीएस यूज करके ब्रोमिनेशन कर दीजिए, आप चाहिए क्लोरीनेशन करके बनने, तो वहां पे यही है। अंडरस्टैंडेबल डियर। फ्रॉम एर एल्काइल बेंजीन, फ्रॉम एर एल्काइल बेंजीन, व्हाट आर एल एल्काइल बेंजीन, इररिस्पेक्टिव ऑफ चेन एंड नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग, वी गेट सी ओ एच बाय ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके पास सिर्फ एक थ्री है, आप नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, हॉट एसिडिक केमन ऑफ डाल दीजिए, डाइक्रोमेट डाल दीजिए, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन प्लीज, उसमें को ऊपर वाले में सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, नीचे वाले में दो है, और ऊपर वाले में सिर्फ एक ही कार्बन है, इसमें तीन कार्बन और दो कार्बन, 10 कार्बन हो या 50 हो या एक कार्बन हो, COH मिलेगा। समझे, द COOH ही मिलेगा। अरे इसका मतलब तो हमने आपको एक नई चीज सिखा दी, अगर आप ये यूज करते हैं राइट, ये यूज करते हैं, तो अगर आप इसके ऊपर सीधा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक तो बेटे क्या मिल जाता, बेंजोइक एसिड मिल जाता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खासियत आपके पास हजारों रिएक्शन हो सकते हैं राइट, आप इससे कैसे चल सकते हो, टोलुइन से सीधा बेंजोइक एसिड बना सकते हो, टोलुइन से आप 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड भी बना सकते हैं, इसका नाम लिख के देखो 1-2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड कॉमन नेम है। अंडरस्टैंड, जितने मर्जी आपके पास अल्काइल हो आप उनको उड़ा सकते हैं। द मोर द अल्फा हाइड्रोजन द मोर इज द ईज ऑफ ऑक्सीसाइड चेन, ये आपके बोर्ड्स में पूछा गया है। 3-degree अल्काइल चेन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड, क्या मतलब हुआ, आपके सामने बोर्ड पे एक स्क्रीन पे चीज दिखाने की की जा रही है, मैं यहां पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। ये स्टेटमेंट देखो, द मोर द अल्फा हाइड्रोजन द मोर इज द असानी ऑफ ऑक्सीडेशन, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज most easily to benzoic acid, the second is also going to be benzoic acid, third mushkil se hoga aur fourth will not be oxidized, ye aapke school board mein question pucha gaya hai। jitne bhi alpha hydrogen honge, alpha hydrogen kaun sa hota hai, benzene se ekdam upar, utni aasani se oxidation ho sakti hai। even naphthalene, ye kaun sa molecule hai jo hum गर्मियों में अपने
सर्दियों के कपड़े पैक करते हैं तो उसमें नेफ्थलिन बॉल डाल देते हैं। नेफ्थलिन बॉल सब्लाइम करती है, इसकी स्मेल गंदी सी होती है तो कीड़े नहीं आते हैं। तो अगर आप इसको भी ऑक्सीडाइज करेंगे बेटे, तो यहाँ पे अगर CH2 हुआ वो भी ऑक्सीडाइज बेंजोइक एसिड पे होगा। आप भूलिएगा नहीं, यहाँ पे CH2। बेटे अगर आपके पास CH CH2 हुआ, आप दोनों को जब ऑक्सीडाइज करेंगे बेटे, तो आपके पास ही मिलने वाला है। ये भी गया और ये भी गया, ये मैं कहने की बात कर रहा हूं ऑक्सीडेशन। सेम प्रोडक्ट बन जाएंगे, नेफ्थलीन नीचे वाले का ही तो डेरिवेटिव है, राइट। नॉमेनक्लेचर में आपको ये तीन मॉलिक्यूल कराए जाते हैं। नॉमेनक्लेचर में मेलोनिक एसिड, दिस इज प्रोप एन डाइक्लोइक एसिड को मेलोनिक एसिड बोलते हैं, प्रोप एन डाइक्लोइक एसिड। प्लीज आंखें बंद करो, प्रोपेन डाइक्लोइक एसिड, तीन कार्बन है, कोने वालों पे सीओएच सीओएच है, दैट्स इट। दिस इज मेलोनिक एसिड, द डाई मिथाइल मेलोनिक एसिड। तीनों में एक कॉमन चीज देखो बेटे, एक कार्बन पे एक से ज्यादा सीओएच या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, समझे। मेलोनिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में हम आपको क्या दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि तीनों कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा सीओएच, एक कार्बन के ऊपर सॉरी ज्यादा सीओएच लगे हुए हैं। कुछ तो कारण होगा जो मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, राइट बेटा पार्टी। डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मेलोनिक एसिड डेरिवेटिव होते हैं, मेलोनिक एसिड एक कार्बन पे दो सीओएच, जो सेंटर वाली कार्बन है अगर उसके ऊपर आप सब्सिट्यूएंट लगा दें तो उसको मेलोनिक एसिड बोलते हैं, डेरिवेटिव। मेलोनिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, रिपीट करता हूं, एक कार्बन पे अगर एक से ज्यादा सीओएच लगे हो, लूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इजिली। तो वो इसको देखिए, अगर आप मेलोनिक एसिड को हीट करेंगे बेटे, यहां से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और आपको एक कार्बन कम वाला मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। अगर दो सीओएच ना होके एक कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो इस पोजीशन पे, ये अल्फा कार्बन है, राइट। तो हमें डी कार्बोक्सिलेशन में मदद मिलती है, राइट। अगर आपके पास अभी तो दो, कौन सी कार्बन है, ये अल्फा कार्बन ही तो है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी और आपको इसकी जगह पे एच, राइट। द सीओएच इज अनस्टेबल, ये वही चीज है, एंड इट लूजेस कार्बन डाइऑक्साइड। मैकेनिज्म बिल्कुल भी नहीं कॉपी करने का है, वेले हुए तो पढ़ लेना, कोई नुकसान नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जरूरत नहीं है NaCl, राइट। यहां पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके पास RCO, राइट, CH2, COH, बेटे ये अल्फा है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कह रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ राइट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन अल्फा कार्बन, तो अगर आप इसको हीट करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी, आपको RCO मिलेगा, CH, समझे बेटे। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा पोजीशन हेल्प्स इन डी कार्बोक्सिलेशन। पेज 60 भी, 59 भी देख लीजिएगा, दोनों को देख लीजिएगा। मैकेनिज्म मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज समय मत खराब करिएगा। कन्वर्ट दिस इनटू द साइक्लोहेक्सेनॉन, आइडिया लगा सकते हो पुत्र,
पॉज कर दो, ट्राई करो, अगले पेज पे आपको मिल जाएगा। पॉज, जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी सिखाया ना उसमें देखो, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ये हिंट। एट अल्फा कार्बन इजिस लॉस That's what you have discussed. Right, sir? Now, review. Review. This is the most important thing, beta. This is the most important thing. So, please, आप क्या करिए? आप यहाँ पे रुको बेटे. सच में, that's the way of revision. आप पहले notes बना लीजिए. सामने रखो और एक एक करके मैंने आपको जो जो रिएक्शन सिखाए हैं बच्चे, आप उसको रिवाइज करिए उसको देखते हुए बेटा। दैट्स द वे यू शुड रिवाइज, समझे बेटा? आप इस तरीके से रिवीजन में जाइए, दैट इज आपके पास जो रिएक्शन आपने ये किए हैं उनकी ये एप्लीकेशन है बेटे। दिस द एनसीईआरटी जॉब। I won't do it because अगर मैं कर दिया तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। जैसे ये देखो, ब्यूटेनल टू ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक, C3H7CHO, तो इसमें उसने क्या करना है, एल्डिहाइड से एसिड। अरे वो पांच ऑक्सीडेशन लगा दो ना यार। और याद रखना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ा करो। मैं एनसीईआरटी को जो करता हूँ, स्कूल में आपने वो रिएक्शन पहले लिखना है जो आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक? तो प्लीज आप इसको देखिएगा, हिंट सारे यहां पे गिवन है बेटे, सारे हिंट्स यहां पे गिवन है। आफ्टर केमिकल प्रॉपर्टीज वी गो विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्लीज इसको अपने आप रीड करना है, दिस इज टू बी रेड ओनली, डू नॉट कॉपी, बट पढ़ना है इसको कि क्या फर्क। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है, आपके पास जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो बढ़ता है। याद रखने के लिए, एसिड्स का ज्यादा, अल्कोहल का कम, एल्डिहाइड का कम, कीटोन का कम, इस प्रकार से हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट फर्क पड़ते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन से कम होता है, उसका ज्यादा होता है, बट ये तभी लगेगा जब आपके पास मोलर मास सिमिलर हो। तो काइंडली रीड ओनली, फिजिकल प्रॉपर्टी को प्लीज कॉपी मत, वेस्टेज ऑफ टाइम होंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, यहां पे ये सिखा रहा हूं। तो प्लीज इसको रीड कर लीजिएगा, इसमें वो इवन और ऑड की यहां पे आपसे बात करवा रहा है। ये चीज समझाने वाली नहीं होती है, तो हम इसके ऊपर कोई ज्यादा जोर नहीं लगा रहे। राइट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई सेड ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बेटे। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मे बी डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। Reaction due to the hydrogen atom of carboxylic acid. तो this is बेटा क्या है, the acidic property. The reaction due to OH part. This is my dear friend क्या है, nucleophilic substitution group है. The reaction due to carbox रिएक्शन ड्यू टू एलन बेंजीन, इंपॉर्टेंट HBZ वगैरह आपसे डिस्कस। तो अभी के लिए बच्चों प्लीज हम बारी बारी से रिएक्शन देखने जा रहे हैं, और हमने ये एसिड प्रॉपर्टी शुरू की है। अरे एसिडिक प्रॉपर्टी तो हम आपको करवा चुके हैं पहले, मेटल्स के साथ
मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ और मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ। ये वाला क्वेश्चन याद आया, वो एक टेबल बनाया था अल्कोहल्स के अंदर, राइट, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो फिनोल्स होते हैं वो इनके साथ कार्बोनेट रिएक्ट नहीं करते हैं। तो रिएक्शन वन और टू तो अल्कोहल्स में भी होता था, फिनोल्स में भी होता था, रिएक्शन थ्री सिर्फ एसिड की तरफ से होता था। ये जो कार्बोक्सिलिक आयन है ये हाईली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, देयरफॉर इनका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है। बेटे इसको पढ़ लीजिएगा, मर्जी है आपने कॉपी करना है कि नहीं करना है, बट याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। मुझे पीकेए याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इनके ये याद करने की मतलब ऑर्डर आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको पढ़ो और आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया है, राइट? ये एक एनसीईआरटी में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस जाओ अल्कोहल्स में, तुम्हें कराया हुआ। ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज फाइव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, बट द फिनोल इज लेस एसिडिक एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ओके, द इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, प्लीज ये आपको करवाया हुआ इंपॉर्टेंट है। तो आगे द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इलेक्ट्रॉन ग्रुप अगर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा और वो कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज कर देगा, स्ट्रेंथन करेगा एसिड को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फेंकेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा और वीकन करेगा एसिड को। दैट मींस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप क्लोरो हो और आपके पास से ये व्हिच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड, द क्लोरो वाला इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गर एसिड। इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज, काइंडली कॉपी इट, मैंने इंफॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी में से ली है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, राइट? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, तो ये उसने ऑर्डर बना रखा है। अगर फिनाइल सीओएच के साथ लगा हो, आयोडो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो साइनाइड नाइट्रो CF3, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये इसने ना फैक्ट दे रखी है बेटे, CF3 फ्लोरीन, क्लोरीन कम, दो क्लोरीन, नाइट्रो साइनाइड, काइंडली कॉपी इट, दो तीन बार इसको बेटे पढ़ लेना। मैं ना क्वेश्चन देख चुका हूं तो मैं जानता हूं कि क्या चीज रटने वाली होती है और क्या चीज अंडरस्टैंड करने वाली होती है। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ फिनाइल और विनाइल टू द कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉन्ट्रेरी डिक्रीज एक्सपेक्टेड, राइट? अगर आपके पास ये हो, रिमेंबर दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ जाएगी, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू इंक्रीज। तो एक्सपेक्टेड इज नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, बट ही सेज द एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज sp2 कार्बन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है। तो वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके पास
हो और अगर आपके पास बेटे ये हो तो विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसेट, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गर एसेट. यू रिमेंबर sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. कि एनसीईआरटी का डिस्कशन है बेटे, प्लीज दिमाग में रखिएगा. दैट इज ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा एसिडिक है, फिनाइल वाला कम एसिडिक है, और ये डबल बॉन्ड वाला कम एसिडिक है, और सिंगल बॉन्ड वाला लीस्ट एसिडिक है. तो नाइट्रो एसिडिक स्ट्रक्चर को क्या करेगा, बढ़ाएगा. मिथाइल एसिडिक स्ट्रक्चर को क्या करेगा, कम करेगा. अरे किया तो था, इंक्रीजेस के इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, डिक्रीजेस के का मतलब एसिडिक स्ट्रक्चर को कम, और इंक्रीजेस के का मतलब एसिडिक स्ट्रक्चर को ज्यादा. पॉज करो, कॉपी करो. राइट, बस इसको देख लीजिएगा. मैंने एक जगह पे इंफॉर्मेशन सारी डाल दी है बेटे. वी हैव डन इट. जो मैं अल्कोहल्स में मैंने एस्ट्रिक्शंस आपकी पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप यहां से रिवीजन कर सकते हैं, तो वो एक बेटर चीज होने वाली है. तुम्हारा क्वेश्चन जी बेटे, बताओ विच इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एसिडिक. मैं येलो पेयर फर्स्ट में से ये वाला, क्यों ड्राइंग ग्रुप, दूसरे में से क्यों, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, है ना जी. से बेटे ये देखो, ये CO तो लगा हुआ है, समझाता हूं. देखो दूरी बढ़ रही है, इंडक्टिव फैक्टर. ये दूसरा, ये तीसरे कार्बन पे, ये चौथे कार्बन पे फ्लोरीन है. This is fourth पे फ्लोरीन लगा हुआ है. इसमें दूसरा, तीसरा, तीसरे कार्बन पे फ्लोरीन लगा हुआ है. तो which will be more acidic, जिसमें डिस्टेंस के नजदीक होएगा, this is going to be yep more acidic. चौथा, presence of electron withdrawing group increases acidic strength. डियर फ्रेंड्स, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. कॉपी जरूर कर लेना. आईसीएस दिस इज कॉपी. ये यहां क्यों आ गया, तो ऊपर होना चाहिए था. चलो डाल देते हैं, तुम कर ही चुके हैं. सो डियर, इनफ फॉर टुडे. कल मतलब अगले सेशन में हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे. क्यों अलग करूंगा, बिकॉज वो एक कहानी ही अलग हुई. रिएक्शन टू OH, आपको बताऊंगा कि सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव shows nucleophilic substitution reaction. बहुत आसान होएगा, most probably हम अगली lecture में इसको खत्म कर पाएंगे. ठीक है जी, आपका homework क्या है, आप लोगों ने copy करना है और आपने समझना है acid और इनके derivatives को, जो भी मैंने किया. topic छोटा है, even अगला amines भी छोटा है, तो आसानी से हम इसको अगले सेशन में खत्म कर पाएंगे. नहीं भी हुआ तो आधे घंटे का, 25 मिनट का एक और सेशन लग जाएगा. राइट सनी, तो डियर फ्रेंड्स, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ
को एक बार जरा देख लीजिएगा। तो तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।